अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैर वाकिफ से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं द पेंट इज इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ इक्वल। हमें बहुत सारे कंटेनर्स में पेंट है और वो पेंट इतना है कि हम 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं, उतना है। हाउ मेनी बिट्स ऑफ डायमेंशंस दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। उन कंटेनर्स में जो पेंट है, ठीक, हम जो इन डायमेंशंस के ब्रिक्स है, कितने ऐसी ब्रिक्स है इन डायमेंशंस के जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ऐसी होगी, कितने ऐसे ब्रिक्स है जिनको हम ये पेंट कर सकते हैं। दैट मींस हम इसमें हमें क्या निकालेंगे, जो ये दिया गया है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जो ये डायमेंशन दिया गया है, इसके हिसाब से हमें देखने की ऐसी कितनी ब्रिक्स है कि उनका एरिया बन जाता है, ताकि हम उनको 9.375 मीटर स्क्वायर जो है हमारा पेंट उनपे कर सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले जो हमें डायमेंशंस दिए गए हैं, इनकी मदद से हम पहले एक ब्रिक देखेंगे कि उसका एरिया कितना है। द सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, सबसे पहले हम सरफेस एरिया देखेंगे एक ब्रिक का, और आपको पता है, ठीक है ना, वो बराबर है 2 into लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, या हम लेंथ हाइट भी कह सकते। यहां पे इनके वैल्यूज देते हैं 2, ऐसे ही लेंथ की जिक्र करेंगे 22.5 into जो ब्रेड्थ है 10 प्लस ब्रेड्थ फिर से 10 आएगी इंटू हाइट 7.5 प्लस फिर से हाइट 7.5 इंटू लेंथ जो है 22.5। ओके, 2 को हम ऐसे वापस लिखेंगे 22.5 into 10, वो 225 बन जाएगा, प्लस 10 इंटू 7.5 वो 75 बन जाता है, एंड 7.5 into 225 जो है वो 168.75 बन जाता है। ये इसका वैल्यू आ जाता है, ये जो है सेंटीमीटर्स में है, क्योंकि हमें यहां पे सेंटीमीटर्स में की वैल्यूज दी गई है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर साफ आ जाता है। 2 ऐसे ही ब्रैकेट्स का, इन तीनों को हम आपस में प्लस कर दें, तो प्लस करने के बाद हमें 468 हमें आ जाता है वैल्यू 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू आ जाता है। उसके बाद इन दो को आपस में मल्टीपल है, तो इनका मल्टीपल जो आता है वो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, यानी कि 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा जो है एक ब्रिक का सरफेस एरिया है, हमारे एक ब्रिक का ये सरफेस एरिया है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पर अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे, जो टोटल एरिया है वो इन मीटर से 9.375 मीटर स्क्वायर, यहां पर हमने हमारा वैल्यू किसमें निकला, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा जो डायमेंशंस दिए गए थे वो इन सेंटीमीटर में दिए गए थे। पहले हमने देखा कि एक ब्रिक का कितना है सरफेस एरिया, उसके बाद से देखते हैं, यही पे थोड़ा सा करते हैं, लेट एम, हम एन लेते हैं, ठीक है ना, लेट एम ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, ब्रिक्स कैन बी
painted. मान लेते हैं एन bricks can be painted out by the paint of the out by the paint of the container. ठीक, हमने n दिया तो एरिया ऑफ n bricks का अगर हम जिक्र करेंगे, याद रहे हमारा वैल्यू जो यहां पे दिया गया है 9.375 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चन एरियस कर रहा हूं 9.375. ठीक, मैंने यहां पे कहा लेट n bricks, चलिए मान लेते हैं n bricks can be painted out of painted जो कंटेनर, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ n bricks जो एरिया ऑफ n bricks आ जाएगा वो आएगा n into जो हमारा वैल्यू यहां पे निकला था 937.5. ठीक, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस m को और इसके साथ हम मल्टीपल देते हैं तो वो निकलेगा 937.5 m सेंटीमीटर स्क्वायर. पहले तो यह हमें निकला n bricks का, n हमने लेट किया था, वो कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द जो पेंट है कंटेनर्स. उसके बाद अगर हम देखेंगे एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, इसके हिसाब से अगर हम इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से देखेंगे एरिया दैट कैन बी पेंटेड वो एरिया जो पेंट किया जाएगा बाय द पेंट ऑफ द कंटेनर. ठीक है ना, कंटेनर से वो कितना है जो हमारे क्वेश्चन में मैं अभी कह रहा था 9.375 मीटर स्क्वायर. ठीक है ना, मीटर स्क्वायर याद है उस वक्त मैं कह रहा था कि ये इन मीटर्स में है तो हमारा जो है डायमेंशन वो सेंटीमीटर्स में दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन मीटर्स को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. जब हम मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना, जब हम इनको किस में सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी हैव, तो देखा जाए हमारे पास अब क्या है 93, एक तो हमारे पास 93750 है, एक तो ये है, सारा इरेज कर देते हैं, एक तो हमारे पास ये है और देखा जाए हमारे पास जो था 93 जो यहां पे निकला वैल्यू 937.5 m जो हमें n bricks का निकला, तो वहां पर मैंने कहा था जब मैंने लिखा था यहां पे वो let n वो किसके बराबर, तो जब हमारे n का वैल्यू निकलेगा तो हम कह सकते हैं हाँ कितने bricks हो सकती है, क्योंकि bricks के बराबर हमने वो n लिया था. 93750 ऐसे ही यहां से देखा जाए 937.5 m, इस 937.5 m को इसके साथ मल्टीपल है, जो मल्टीपल में होता है जब हम
वो इसको इस इक्वल टू यहां से लाते हैं तो डिवीजन में आ जाता है, तो यहां आएगा 93.93 7.5 और n अपनी जगह रहेगा। जब हम इनको आपस में इनको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 100 और n ऐसे ही यहां ऐसे लिख सकते और n जो हमारा है वो 100 के बराबर है। सो इस तरीके से अगर हम देखेंगे हम कह सकते हैं कि हाँ m यहां पे हम लिखते हैं देयरफॉर कॉमा जो हमारी 100 ब्रिक्स कैन बी 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड कितनी ब्रिक्स पेंटेड किए जाएंगे 100 ब्रिक्स कैन आउट बाय द पेंट किसे कंटेनर से आउट बाय द पेंट ऑफ द कंटेनर। ठीक इस तरीके से देखा जाए तो 100 है कितने 100 ब्रिक्स हम 100 ब्रिक्स को उतना पेंट कर सकते हैं जो हमें पेंट कहां कितना दिया गया था हमें दिया गया था 9.375 मीटर स्क्वायर जो इस एरिया का जो पेंट है हम 100 ब्रिक्स को कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये मानिए।